ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी से बांदा के जिलाध्यक्ष अवधेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस पीसी में आप जिलाध्यक्ष ने कहा कि आने वाली 21 तारीख का आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हर जिले में प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान अवधेश सिंह ने संजय सिंह की गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया, साथ ही कहा कि हम सड़क से लेकर के संसद तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। वहीं मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी बड़े मुगालते हैं, वहीं हम संजय सिंह मामले की बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में इस महीने की शुरुआत में आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के दिल्ली स्थित उनके आवास पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से रिमांड पर उन्हें भेज दिया गया था। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है। ईडी ने इस साल की शुरुआत में संजय सिंह के सहयोगियों के यहाँ भी तलाशी की थी। सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया, बिना सम्मान के गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी असंवैधानिक और अवैधानिक है, बिल्कुल गलत है। हम ये कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से ये गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है और हम लोग इससे डरने वाले नहीं। हम सड़क से लेकर संसद तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे और बराबर लड़ेंगे। उसके लिए हमें चाहे जो भी करना पड़े हम करेंगे। अभी 21 तारीख को हमारा फिर एक बार हम प्रदर्शन कर चुके हैं। 21 तारीख को हमारा फिर संजय सिंह जी को लेकर के फिर हमारा प्रदर्शन है। पूरे प्रदेश में, हर जिले में, हर कस्बे में ये प्रदर्शन होगा। हम तानाशाही से डरने वाले नहीं हैं और तानाशाही के खिलाफ हम हमेशा लड़ते रहेंगे। हम लोग आंदोलन की गोख से पैदा हुई पार्टी है। ये